जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएचए के साथ सचिव डॉक्टर पृथ्वी की वार्ता फिर विफल रही है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा सरकार की तरफ से काम पूरा करने का नहीं मिला है समय। ऐसे में हमने सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, अगर तब तक सरकार की तरफ से सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 22 को करेंगे विधानसभा का घेरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से वार्ता विफल हो गई है, लेकिन 15 दिन का वक्त सरकार को दिया गया है और कहा गया है कि अगर 22 तक सकारात्मक परिणाम नहीं निकले तो फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कोविड स्वास्थ्य सहायकों से वार्ता हुई है और दूसरे दौर की वार्ता में भी कोई नतीजा नहीं निकला है। हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं। ऋतुराज, वार्ता में कौन कौन से बिंदु उठे और वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर सहमति बन ही नहीं पा रही है? देखिए, मुख्य तौर पर तो जो सीधी सीधी मांग है, अगर हम सीधी भाषा में समझें तो इनको जो संविदा कैडर में शामिल करने की मांग है। अगर ये मांग ही एकमात्र अगर मान ली जाती है और इसको लेकर कोई कागज पर सकारात्मक आश्वासन मिल जाता है तो बाकी चीजें सारी गौण हो जाती हैं। लेकिन इस और अभी कहीं पर भी कुछ भी संकेत नहीं है। आज जो बातचीत हुई है उसमें जो डॉक्टर पृथ्वी हैं सचिव, उन्होंने ये बताया कि उनकी जो वित्त विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है और वो उसमें उनका अभी तक का जो रुख है वो सकारात्मक है। लेकिन जब उन्हें उन्होंने डेडलाइन की बात कही कि भाई कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, तो कोई डेडलाइन नहीं दी गई। इस पर जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है और जो सीएचए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक सरकार को समय दिया है, 15 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है और जब तक सरकार कोई सकारात्मक कागज पर फुल प्रूफ प्लान नहीं लाती तब तक ये इनका धरना जो है वो जारी रहने की बात कही गई है। और खास बात यह है कि 22 तारीख को ये विधानसभा का घेराव करेंगे अगर कोई फुल प्रूफ प्लान इन्हें नहीं मिला। डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं छावनी में तब्दील हो चुका है कोठारी फार्म हाउस। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल के जाते पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। मुख्य मार्ग से लेकर फार्म हाउस के अंदर तक पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। पुलिस को एक्टिव देखकर सीएचए आंदोलनकारी भी एकजुट हो गए। मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, क्योंकि सहमति तो बन नहीं पाई लेकिन यह जरूर कह दिया गया कि 15 दिन का सरकार को वक्त दिया गया है, तो मानकर चले कि जो भी वहां मौजूद हैं वो अब लौट जाएंगे और अब सीधा अगर मांगे नहीं मानी गई तो 22 तारीख को विधानसभा का घेराव करने आएंगे। देखिए विजेंद्र, इस वक्त हम खड़े हैं कोठारी फार्म हाउस पर। यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो सीएचए प्रतिनिधि थे जो कि अंदर बैठे हुए थे, उनमें से कुछ लोग घर जाने के लिए चले गए, बाकी पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि कल का जिस तरह का गठबंधन था कि सीएचए ने यहाँ पर आकर के मुख्य राजमार्ग को जाम कर दिया था, उसके बाद में आज की वार्ता के बाद में इस तरह की कोई घटना नहीं है, उसको देखते हुए तमाम तैयारियाँ पुलिस की तरफ से पूरा भारी जाब्ता जो है मुख्य द्वार पर जो कोठारी फार्म हाउस है उसके मुख्य द्वार पर लगाया गया है। मैं मेरे कैमरा पर्सन संजय को कहूँगा बताएंगे। एक तरफ जहाँ पे वाटर टैंक जो है लगा दिया गया है, QRT की टीमें लगा दी गई है, उसके साथ में वज्र वाहन जो है वो बुला लिया गया है। ये सब मुख्य द्वार की तस्वीर है। इस साथ ही कई लोग जुल्लर मीणा के आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो एक बार आएंगे और आने के बाद में अपनी रणनीति बताएंगे, उसके बाद में वो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों तरफ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहाँ प्रशासन जो है पब्लिक को परेशानी नहीं हो, कल जिस तरह से जाम किया गया था राजमार्ग, उसके बाद में काफ़ी तादाद में लोगों को परेशानी हुई, उससे परेशानी को दोबारा नहीं हो, इसको लेकर हालांकि प्रशासन की तरफ से सब लोग बांटते हैं, बातों की जो आंदोलनकारी है उनको समझाई से मारा जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति बनती है जी उनको सख्ती अगर करनी पड़ती है। विकास, आपकी आवाज में थोड़ी समस्या आ रही है, एक बार चेक कराइए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए।